नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय भोलेनाथ। वर्ष 2023 की सबसे बड़ी श्रावण पूर्णिमा 30 अगस्त से 31 अगस्त तक पड़ने वाली श्रावण पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे विशेष पूर्णिमा समझा जा रहा है। इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा। 31 अगस्त को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर दो दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा खत्म। किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, महालक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को समाप्त कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको अपने घर के मंदिर में रोजाना ही दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर दीपक ना हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नकारात्मक एनर्जी बाहर निकलती है। यदि आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नकारात्मक तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी है, इसकी वजह से परेशानी और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में सदैव ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और सदैव ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं किंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, किंतु दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नकारात्मक एनर्जी आपके घर से सदैव बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में यदि आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नकारात्मक एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, आपके सभी काम बिगाड़ने लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता उसी समय ये नकारात्मक एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह, हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीजों को समाप्त करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं, किंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपके लाभ मिल पाते हैं। यदि आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, यदि ऐसी बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। यदि आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाती है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और यदि वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही यदि रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती है वो आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुख में बनने लगता, यानी कि सकारात्मक होने लगता है, घर के सब शांति से रहने लगते हैं। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है ये भी जब जलता है
तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वो नकारात्मक एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को सकारात्मक बनाता है। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी हो। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर की पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्ति होती है वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, घर की पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस फल प्राप्त हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। किंतु दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले यदि हम किसी मूर्ति की बात करें तो दो। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की यदि आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी तरह का गृह क्लेश नहीं होता है। दोस्तों और पति और परिवार जनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए ये जरूरी समझा गया है यदि आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा या ना करें या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। दोस्तों, सदैव भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो यदि आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने मंदिर में अवश्य लगानी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं, इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई। दोस्तों, तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी के अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर की पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें कि निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री राम, दोस्तों भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें या उनकी मूर्ति या उनकी किसी तरह की कोई चीज पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है
तो निश्चित तौर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप ये तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राज्य योग की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह यदि आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर यदि कोई तस्वीर चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर अवश्य रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। यदि आपने इन तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान है, तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। यदि आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, तो इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा घर के मुख्य दरवाजे की होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। सदैव एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके पश्चात भी यदि आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं। घर में यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और मंदिर में सदैव यदि आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखें। बजरंग बली भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने नया किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा आपको आपके जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी है तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियां यदि जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वो आपके बेड के सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला किसी भी तरह का कोई दुख, धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों, इसी तरह यदि माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखें, तो दोस्तों भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हैं हो, या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सदैव शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए, वह शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको इनको भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वो चावल चढ़ाएं, किंतु टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्त, इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित ना करें, ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। और यदि आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है और पितरों का भी दोष लग सकता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्तों, तो इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनि देव की राहु केतु के इस तरह की तस्वीरें अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष द्वारा की जाती है। घर अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ में यदि किसी तरह की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है।
इसी वजह से आपको इस तरह की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया, उस तरह की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।